हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वही टाइम है जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था। ये लोग अभी भी सो रहे हैं, दोनों बाप बेटे, और प्रिशा जस्ट अभी नहा के आई है और फ्रेशन अप हो रही है। तो यहाँ पे ना लाइटिंग्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं इस रूम में। हम लोग वही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया में हम तैयार हों, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर फाइनली ना हम बाथरूम में आ गए तैयार होने। गुड इवनिंग, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आगे पापा सो रहे हैं और वहाँ पे लाइट्स बहुत कम है। तो कोजी लाइट्स हैं यार। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बाथरूम ही एक ऑप्शन है। अच्छा लग रहा है। तो शाम को तो कुछ चेंज करेगा ना तू? ये तो अभी नहा के पहले, अभी ना 4:30 बज रहे हैं। कपड़े लाए जैसे नहा के मैं पहनूंगी जींस टी शर्ट, शाम को पहनोगी मैं वन पीस। हाँ ऐसे है। तो अभी 4:30 बज रहे हैं और अब मैं नहाने जा रही हूँ। मेरा नहाना बाकी और मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, खाली बाप बेटे ही सो रहे हैं बस। मम्मी आप बहुत प्यारी बोल रही हूँ। धीरे धीरे बोल रही हो, नहीं तो चिल्लाएंगे तुम। हाँ। तुझे लाइनर लगाना है? हाँ लगाना। चलो बाहर आ जाओ, मैं बाहर हल्की सी लाइट में लगा दूंगी। मोबाइल लाइट्स हैं लेकिन बहुत ही कोजी वाले लाइट हैं ये देखो आप। तो कैसे यहाँ तैयार हों हम, आप देखो कोजी लाइट्स हैं यहाँ पे, कितने कोजी लाइट हैं। तो रेडी कैसे होंगे ना, यहाँ पे कोई बल्ब नहीं दिया हुआ इन लोगों ने। कोई बात नहीं, फ्लैश लाइट ऑन करके तैयार हो जाएंगे। हाँ Midnight and city lights on the other side, you're calling me up at the same time, I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling. तो जैसे कि आपने देख ही लिया, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, बॉडी लोशन लगा रही थी बैठ के, और यहाँ पे प्रिशा कुछ स्नैपचैट पे पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तो मुझे बोली मम्मी आप भी आ जाओ। आपको पता है मैं बहुत सारे पिक्चर्स लेती हूँ, मैं और प्रिशा, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, इवन घर पर भी छोटी छोटी ओकेजन्स में। मुझे अच्छा लगता है मेमोरीज़ को कैप्चर करना, क्योंकि ये मेमोरीज़ ही होती हैं जो हमारी यादें बन के रहती हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि जब मैं वहाँ होती हूँ तो इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आई हूँ। तो बस हम दोनों बैठ के ना कुछ पिक्चर्स खींच रहे थे। ये जो मोमेंट्स हैं, ये जो फोटोज़ हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ के सारे फोटोज़ अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग उदयपुर में हैं। हम लोग उदयपुर आने वाले थे, जो मैंने आपसे अभी तक छुपा के रखा था, बस वहीं पे पहुँचे हैं। होटल का रूम का टूर मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दे चुकी हूँ। शाम हो चुकी है, प्रिशा आपसे बात कर चुकी है। अभी राइट नाउ 5:30 हो रहे हैं, ये दोनों बाप बेटे अभी भी सो रहे हैं। पिछले 3 घंटे से सोए हैं चाय नाश्ता करके। रात को 2 बजे हम लोग सोए हैं कल, पैकिंग वैकिंग करके। काफ़ी सारी पैकिंग बाकी रही थी क्योंकि न्यू ईयर का दिन था ना, इतने सारे गेस्ट आए, बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाए हम लोग। तो बस रात को हमने सारा पैकिंग किया और मेरा व्लॉग एडिट किया, क्योंकि यहाँ पे कवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अपलोडिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, डाउटफुल था। तो वहीं से मैंने रात को मुझे अपलोड करके निकलना था। वो सब करते मुझे 2:30 बज गया था, 2:30 बजे सोई, 4 बजे उठ गई, और समझ लो आप 2 घंटे की नींद। और चूंकि ड्राइवर के बाजू में बैठी थी, यानी मेरे पतिदेव के बाजू में, तो सो तो नहीं सकती थी फॉर श्योर। तो मैं सोई नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। अब मेरी आँखें जल रही हैं, ये दोनों पूरे बेड पर लमलेट हो गए, तो हम दोनों कहाँ सोते, हम देखते रहे खड़े हुए। कहाँ सोए है ना प्रिशा? यहाँ बैठा हुआ है बाबू, फोटो खींच रहा है ये स्नैपचैट में। अब हमें नींद आ रही है, तो अब हम सोच रहे हैं एक एक कप चाय फिर से पी लें, ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए, नहीं तो पूरी इवनिंग बर्बाद हो जाएगी। विवेक बोल रहे हैं तू अब सो जा, मैं उठ जाता हूँ। मैं कहा अब क्या कह रहे हो, तब कहना चाहिए था, तब तो लमलेट हो गए तुम। और पता है इन्होंने इतनी कॉमेडी की है ना, मैं आज बताती हूँ आपको भी, इनको उठने दो फिर बताती हूँ। चलो इन्हें उठाते हैं। पति 6 बजने वाले हैं, उठत नहीं रही, हम तो 2 घंटा सोत रही, तो भी हम उठत रही, नहात रही, तैयार होत रही, आपको बहुत मजा आत रही। वहाँ से ना वो दिखता है, लेक दिखता है इस तरफ से, यहाँ से नहीं दिखता। अब मुझे नींद आ रही है, बताओ क्या करूँ? आराम करना चाहिए। अब कैसे आराम करूँ? अब आराम करूँगी तो आपकी इवनिंग बिगड़ जाएगी। चलेगा, 1-2 घंटा, 1 घंटा सो जाए, फिर रात कब खराब हो जाएगी? फिर नहीं, इवनिंग ख़राब हो जाएगी अगर अब सो गई मैं, कहीं नहीं जा पाएंगे फिर। थोड़ा बहुत तो निकलेंगे ना, चाय मंगा लेते हैं, थोड़ी चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं थोड़ा। हमने लंच स्किप कर दिया है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है ना अपना। अबू अबू शोना,
उठी शोना, उठी उठी, चलो बेटा। कि ना मैं आपको बात बताती हूँ, ये यहाँ पे सो रहे थे हम लोग, हमारा काम कर रहे थे, नहाने जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से मुझे बुलाया है ना प्रिशा, बोलते हैं कि रुचि ये बेड हिल रहा है ये बेड हिल रहा है। मैंने कहा बेड कैसे हिलेगा यार, कह रहे हाँ हिल रहा है ये बेड। हिल रहा था बेबी, सच में हिल रहा था, जरा देखना इधर, सच में हिल रहा था क्या? फिर मैंने बैठ के देखा, लेट के देखा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने भी देखा था, मुझे भी ऐसा कुछ। अब तुम सो रही हो, पापा से पाड़ी हो रही है, देखो पापा से पाली पाली हो रही है पाड़ी पाड़ी हो रही है पापा से। तो मैंने प्रिशा को जैसे ही बोला ना, मैंने कहा बेटा पापा कह रहे हैं बैठ हिल रहा है प्रिशा से प्रिशा को डर लग गया। मैंने कहा अब तो देख मैं रात को क्या करती हूँ। यहाँ पे ना शीयर कर्टन से आपने देखा ना, यहाँ पे जहाँ वैनिटी ये तैयार होने के लिए जो प्लेस है, इसके बाजू में जहाँ से डिवाइड हो रहा है रूम है ना, एंट्रेंस पे जो शीयर कर्टन है, मैंने कहा रात को ना इसके पीछे में मोमबत्ती जला के खड़ी हो जाऊंगी। और अगर मम्मी को तूने बाजू में सोए हुए देखा फिर मैं मम्मी को उठाऊंगी ये बहुत डर गए। क्या सच में हिल रहा था क्या? देखिए अभी भी ये हाँ बोल रहे हैं कि सच में बेड हिल रहा था। झूठे हो तुम एक नंबर के, ऐसी बातों में बिलीव करते हो तुम अभी भी। ऐसे ऐसे से हिल रहा था, ऐसे से हिल रहा था, ऐसे से हिल रहा था क्या? चलो अब तो ये तो रात को ही पता चलेगा कि सच में हिल रहा था कि नहीं। तुम्हें हिलता हुआ लगेगा तो मुझे भी तो लगेगा, मैं भी तो तुम्हारे पास ही सोने वाली हूँ। प्रिशा चाय का ऑर्डर कर, चल थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं फिर निकलते हैं कहीं बाहर। एग्जैक्ट टाइम है 5:33 शाम के। ये किसका फोन आया है रे? तो चाय ऑर्डर करने से पहले थोड़ा मन किया कि थोड़ा सा कोजी से एटमॉस्फेयर में हम भी बैठ जाएं, क्योंकि ये जो रज़ाई है इसमें ये लोग घंटों से सोए हैं तो गर्म हो रखी थी। तो प्रिशा तो अंदर आई गई थी, इसको देख के मेरा भी मन ललचा गया और मैं भी अंदर आ गई रज़ाई में। चारों एक ही बिस्तर पर, हमने कहा चलो थोड़ी बातें शातें हो जाएँ, गपशप हो जाए शाम के टाइम, फिर आराम से बैठेंगे। तो ये जो वक्त होता है ना हॉलीडेज़ का, एक्चुअली ये बस यहीं पे मैटर करता है, जब आप फैमिली के साथ इसी तरह से बातचीत करते हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, जो कि आपको रेगुलर डेज में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये है हमारे रूम के एग्जैक्ट बाहर का एरिया। हमने कहा चलो ऊपर भी एक्सप्लोर करवा देते हैं आपको, कैसा है ऊपर का व्यू इनके टेरेस का। और ये जो है कॉरिडोर है रूम के बाहर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और आगे देखिए एक मिरर लगा हुआ है बहुत ट्रेडिशनल सा। ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो इसका जो डेकोर है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, आपको लगेगा कि आप किसी हवेली में आ गए हो, थोड़ा ऐसे महसूस होगा। तो मैं कहा चलो एक बार शाम का ऊपर से व्यू देखना तो बनता है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि शाम को यहाँ ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर आई हूँ मैं टेरेस पे, टेरेस पे इनका पूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओपन रेस्टोरेंट है और इंडोर रेस्टोरेंट है, ओपन रेस्टोरेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ साइड पे आप देख सकते हो पूल है, कुछ लोग नहा रहे हैं इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा उदयपुर दिखाई देता है और इतना सुंदर लग रहा था इस टाइम पे, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये व्यू दिखाना तो बनता है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। मतलब ऐसी जगह पर अगर आप शाम को एक घंटा बैठ जाएँ तो बस मज़ा ही आ जाए। यहाँ से आपको सिटी पैलेस भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। टोटली मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये होटल। और इसके अलावा इनका पूल भी बहुत सुंदर है साइड पे। इसके ऊपर जो आप एरिया देख रहे हो ना, उसके ऊपर आपको ओपन टेरेस मिलता है, टेरेस रेस्टोरेंट मिलता है, और ये है इनका स्विमिंग पूल। You're calling me up at the same time I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका इंडोर जो रेस्टोरेंट है, तो वो है ये वाला। ये अंदर बैठ के अगर किसी को खाना है तो यहाँ पे खा सकते हैं। और यहीं से एक रास्ता जा रहा है इनके ओपन टेरेस रेस्टोरेंट की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही डिम लाइटिंग्स हैं, मेरे कहने पे उन्होंने एक लाइट चालू किया, अदरवाइज़ इतना ही लाइट रहता है बस डिनर के टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते जिनसे विवेक बातें करने लग गए थे, पूछ रहे थे सब यहाँ के बारे में, इस होटल के बारे में। तो ये जो होटल है आपको मतलब कहीं भी मिल जाएगा बुकिंग करवानी हो तो। मैंने तो गोआईबी से करवाया था और मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया था। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, चलो आपको मैं नीचे जाके मिलती हूँ। आप ये हमारी सेकेंड वाली चाय,
सेकंड वाली चाय पी रहे हैं हम लोग और फिर उसके बाद देखते हैं शायद कहीं जाएंगे शायद ना भी जाएं, आज सिर्फ रिलैक्स करेंगे। खाना खाने तो जाएंगे या तो ऊपर ओपन रेस्टोरेंट में खा लेंगे टेरेस वाले में। और मैं अभी ऊपर गई थी, मैंने आपको दिखाया ना, ओ माय गॉड बहुत सुंदर है ऊपर। और इतना कॉमेडी हुआ आपको बताती हूँ क्या हुआ। तुम चाय सर्व कर रही हो, चीनी डाल देना इसमें, चीनी नहीं डालते लोग। हुआ यूं कि हम जब ऊपर गए ना तो वहाँ पे एक अंधेरा सा कमरा था, अभी अभी की बात कर रही हूँ, ये दोनों रूम में थे। मैं ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए गई कि भाई इनका ओपन टेरेस कैसा है, रेस्टोरेंट ओपन है और इनका पूल भी ऊपर है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो क्या हुआ, ये ऊपर आए मेरे पीछे पीछे, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था और अंधेरा कमरा था। आज वैसे भी कह रहे थे बेड हिल रहा था सोते हुए, तो ना अंधेरे कमरे में ना अंदर जा रहे थे, कहते देखते इसके अंदर क्या है। तो अंधेरा था, लाइट वहाँ पे थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उस रूम में, और एकदम पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। पहले तो मैंने इनको डरा दिया, मैंने कहा देखो तुम्हारा बेड हिल रहा था तुम मत जाओ अंदर, बेड हिल रहा था तुम्हारा फिर देख लो तो बोले रुचि तू भी आना, टॉर्च चालू करना मोबाइल की। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैं इनको लाइट दिखाने लगी। जब ये थोड़ा सा आगे चले गए ना, मैंने टॉर्च बंद की और मैं बाहर भाग गई। एक सेकंड के अंदर बाहर आ गए, एक सेकंड रुचि कहाँ गई तो मैं चुपचाप साइड से कल्टी मार के नीचे आ गई हूँ। अब इनको डर लगेगा आने में, ये ना जब से बेड इनको लगा ना हिल रहा है तब से बहुत डर रहा है। टेम्परेचर बहुत कम है, काफी ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंडे हो रहे हैं। मैंने एसी बंद कर दिया, पंखा भी बहुत स्लो है, बहुत काफी ठंडा वेदर है यहाँ पे, अच्छा खासा ठंड हो रहा है यहाँ पे। कैसा लगा आपको ये होटल बताइएगा, इसका नाम है राज कुबेर। चलो चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। एक तो ठंड हो रही है ना तो चाय पीने का मजा बहुत आ रहा है, बाकी ये लड़की ने चाय छोड़ दी थी। गाइस आपको पता है मैं एक महीने बाद चाय पी रही हूँ, मैंने चाय छोड़ दी थी। और यहाँ पे बड़े शौक से पी रही है ये, इससे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। और ये देखो नहा के बैठा छोटा बच्चा, सो के उठ के नहाया है, देख लो इसे। ईशा का ऐसा कहना है कि मम्मी यहाँ आके भूख बढ़ गई है, मैं बहुत खा रही हूँ। मैं भी बहुत खा रही हूँ वैसे प्रिशा, पता नहीं कहीं बाहर आओ तो भूख बढ़ जाती है, ऐसे होता है क्या? मेरी तो भूख बढ़ गई है, मैं जब से मतलब गाड़ी में बैठी हूँ ना, कुतुर 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 कुतर कतर कतर चुहिया की तरह कुतर कुतर के खाए जा रही हूँ काफी ज्यादा। काफी ज्यादा, और आंखें इतनी जल रही हैं मेरी और पिशा की, मन कर रहा है बस सो जाए, लेकिन अभी नहीं सो सकते ना बाबू, अभी थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। उदयपुर में फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, ये मैं थर्ड टाइम आई हूँ, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें तो नहीं घूमने वाली, जहाँ जाऊँगी वो आपको दिखा दूंगी। मैं सच बोलूँ ना, मैं सिर्फ यहाँ रिलैक्सेशन के लिए आई हूँ, क्योंकि 24 घंटे काम करती हूँ मैं, 24x7, मतलब खाली 5 घंटे मैं सोती हूँ जब मैं घर पर होती हूँ, बाकी के टाइम मेरी एडिटिंग है ना प्रिशा, सब चलता है मेरा, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है रिलैक्स करने का। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ व्लॉग में कि मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है, पापा भी बोल चुके हैं। वो आ गया गाइस, फाइनली मिल गए। क्या मिल गए? मतलब व्लॉग में। अच्छा फाइनली हम लोग निकलेंगे अब थोड़ा सा बाहर, ये ले जा रहे हैं हमें, कहाँ ले जा रहे हैं पता है? इनका ना एक यहाँ पे जिगर जान दोस्त है क्या नाम है? दिनेश भाई। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो उनके घर पे रुके थे, तो बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की। तो उनका फोन आया हुआ है कि आप यहाँ आए हो तो फिर मिलने तो आ जाओ। वैसे आज हम कहीं जाने वाले, मतलब थोड़ा सा सोच तो रहे थे, लेकिन फिर मेरा मूड हो गया था कि सो जाते हैं। मैंने बोली सो जाती हूँ मैं, क्योंकि नींद बहुत है आँख में, विवेक आज तो बहुत नींद आ रही है। लेकिन फिर उनका फोन आया, यहीं पास में ही उनकी शॉप है, तो एटलीस्ट शॉप पे आज मिलाएंगे। फिर घर पे कब जाएंगे, कल परसों? चलो आप बोलोगे। हम यहाँ पे 5-6 दिन हैं अभी, और हम इसके बाद एक जगह पे और स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 नाइट्स का स्टे है, बाकी का स्टे हमारा एक दूसरी जगह पे है, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। उसका एक्सपीरियंस आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप मुझे खुद बोलोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया। और फिर वहाँ से लौटते हुए कुछ खाएंगे ना विवेक, कचर पचर यहाँ क्या फेमस है? अरे हाँ हाँ, आप वहाँ नहीं ले जाओगे? याद करो लास्ट टाइम हमें कहाँ ले गए थे आप, जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे ना, तो कौन सी लेके विवेक? वो फतेह सागर लेक वहीं तो पास में है हम अभी। और हम आपको एक गुड न्यूज़ कर रहे हैं, बोल के यहाँ पे ठंड है और हमारी बीवी हमारे लिए जैकेट लेना पता है गाइस क्या होता है, जब हम कहीं के लिए पैकिंग करते हैं ना, तो एक चीज तो ऐसी होती है कि गलती से रही जाती है। और कल पता है जब रात को 2 बजे तक मैं और प्रिशा पैकअप कर रहे थे ना, तो बहुत ध्यान से है ना प्रिशा, कितना ध्यान से हमने याद कर करके, और हमने एक रात पहले लिस्टिंग भी कर ली थी, यानी कि परसों की रात को लिस्टिंग की थी और कल रात पैकिंग की थी।
इतना ध्यान से हमने बिल्कुल लिस्ट बाय लिस्ट टिक मार के क्रॉस लगा के कि हाँ भाई ये रख लिया ऐसे किया, तो भी मुझे लग रहा था, मैं प्रशा को बोली देखना एक चीज तो जरूर रहती है हर इंसान की, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताना, कि कहीं के लिए आप पैकिंग कर रहे हो तो कोई एक चीज तो रह जाती है ना विवेक, हमेशा होता है ना, कभी हेडफोन तो कभी क्या रह जाता है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो इनके दोनों के गर्म कपड़े प्रिशा के मेरे रखे गए, नहीं बिल्कुल भी मैं सेल्फिश नहीं हूँ, सेल्फिश नहीं है हम लोग। क्या हुआ था, एक बैग हमने खाली किया था मम्मी वाला, जो ब्लू लाए ना वो मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, जो ब्लू वाला ट्रॉली बैग है, तो वो हमने खाली किया, उसमें से मेरा प्रिशा का दोनों का एक एक स्वेटर निकला, तो वो हमने साथों साथ रख दिया, और इन दोनों का बेड के अंदर था जिस बेड पे हम सोते हैं। तो मैं बोली इसे कि यार हम रात को कर लेंगे, पर पता नहीं दिमाग से निकल गया, तो इनके वूलन्स ही रह गए, और यहाँ पे हो रही है बहुत सारी ठंड, इस वक्त बाहर ठंड लगेगी विवेक, तो मेरे पीछे पड़े थे ये। अब मतलब हम लोग जब निकले ना नौसारी से, तो हाईवे पे जाके मुझे बोल रहे वापस चलते हैं वापस चलते हैं, मैं कहा वापस मत चलो, ऐसा होगा तो हम वहां से बाय कर लेंगे, तो देखते हैं अगर ज्यादा ठंड हुई तो विवेक मैं खरीद के दे दूंगी बाबू, ऐसा नहीं होता मैं बाबू, मैं खरीद के दे दूंगा आपको, चादर लाइए ना वो कर लूंगा, चादर उड़ के घूमोगे कैसे यहाँ से, पूरा चादर उड़ के घूमेंगे बीवी का पैसा बचाने के लिए। You're calling me up at the same time I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. तो यहाँ हम कहाँ वॉक करके जा रहे हैं, ये इनका जो दोस्त है ना यहाँ पे दिनेश भाई, उनके शॉप के जस्ट सामने एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत अच्छा बढ़िया घर का खाना मिलता है, घर जैसा, और ये छोटा सा रेस्टोरेंट है कहने के लिए, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो उदयपुर में इतना चलता है ये रेस्टोरेंट, इसका नाम है। तो यहाँ पे मैंने मंगाए थे चपाती, मंगाए थे हमने, पालक पनीर मंगवाया था और भिंडी मसाला मंगवाया हुआ था, तो ये फेमस है, इसका नाम है मीरा। आप कभी भी अगर यहाँ विज़िट करें ना तो यहाँ खाना खाना ना भूलें। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा होटल रेस्टोरेंट, बट है बहुत ही टेस्टी फूड, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ गया था यहाँ पे खाना खाने के बाद। बाकी का एक्सपीरियंस ना मैं आपको रूम पे जाके शेयर करूँगी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो बहुत ही टेस्टी सब्जियाँ थी दोनों, ये भिंडी मसाला है, रोटी है, पालक पनीर, साथ में दाल राइस भी हम लोगों ने इन्जॉय किया था। तो आ गए हम लोग रूम पर, खाना खा के चेंज किया, अब आराम से बैठेगी पूरी फैमिली। विवेक नीचे अभी हैं रिसेप्शन पे, उनको रिसेप्शन पे कोई बातें करने के लिए मिल गया, मुझे कह रहे थे कि इसमें थोड़ा बैठ जाओ, मतलब रिसेप्शन पे जो एरिया है काफ़ी अच्छा ह्यूज है, मैंने आपको दिखाया ना, तो बोल रहे थे यहाँ बैठते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे रूम पे जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, नाना करते भी हमें आते हुए 9:45 हो गए हैं, क्योंकि इनके फ्रेंड को मिले वहाँ काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, उनकी शॉप है यहाँ पे, वो भी एक फोटोग्राफर है, और बैठे रहे वहाँ पे तकरीबन विवेक 1.5-2 घंटा, फिर हमने डिनर किया जाके, और हमने जहाँ डिनर किया ना वो यहाँ का काफ़ी फेमस प्लेस है, छोटा सा होटल जैसा था, लेकिन खाना कैसा था, टेस्टी, खाना बहुत टेस्टी था गाइस, तो मज़ा आ गया खाना खा के, एकदम घर जैसी चपाती, घर जैसा सब्जी, भिंडी मसाला और पालक पनीर, ये दो चीज़ हमने खाई, दाल फ्राई, जीरा राइस खाया। मेरे सिर में आ रही है खुजली, तो मैं अभी विवेक को बोलती हूँ मुझे तेल डाल के दें, अभी रूम में आए, अभी तो वो नीचे हैं, खुजली आ रही है, जब ट्रैवलिंग करो ना तो बाल जरा गंदे गंदे से हो जाते हैं। पापा हैं देख खोल, इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये तो किसी से बात करने लगते हैं तो फटते ही नहीं जल्दी से, मुझे लगा 1.5-2 घंटे के लिए बंदा गया। हाँ इधर आओ तुम, मुझे लगा कि 1.5-2 घंटे से पहले तो ऊपर नहीं आओगे तुम, उसने काट दिया मुझे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे फोन कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे तो आओ बैठो तो सही, हाँ जी, हमारे व्यूअर्स से थोड़ी बात तो करो। खाना कैसा लगा? बहुत जबरदस्त था, जब भी आओ आप लोग अगर उदयपुर आओ तो मीरा में खाना खाने जरूर जाओ, और राज कुबेर, बैठो ना यहाँ, बैठो ना मेरे साथ, राज कुबेर होटल है यहाँ पे जिसमें हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल राज कुबेर, वेरी नाइस, पार्किंग भी अच्छी है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो ओनर है मिस्टर राजवी, जिनसे अभी मैं मिल के आया, वेरी गुड पर्सन। यार आप ये बता दो कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, हमारे पैसे से आए हैं। हमारे पैसे से आए हैं, इनको ना घूमने का बहुत शौक है, हमें बहुत शौक है, हमारी बीवी हमको लेके जाती है घूमी घूमी करवाने के लिए। तो फिर अपनी बीवी के लिए गाना सुना दो एक मीठा सा,
याद करने दो मुझे। तो याद करो तब तक हम बात करते yes. रही। तो गाइज ऐसा होत रही ओ सॉरी आपके साथ मैं कहाँ इस लैंग्वेज में चालू हो गई। अब बस सोने का मूड है यहाँ पे मस्त। मैं और प्रिशा यहाँ लमलेट होंगे और ये और अभी यहाँ लमलेट होंगे, यहाँ बिस्तर लगाने वो लोग अभी आ रहे हैं। और तुम्हारे तुम क्यों नहीं सो रहे हो पता है मेरे पास आज? प्रिशा बोल रही है पापा दिन भर मस्ती से इस बिस्तर पे सोए हैं तो अब रात को मैं इस बिस्तर का मजा लूंगी ऐसे कह रहे मोटा? बस इसका तो काम ही हो गया क्योंकि इसको तो अलग डर लगता है नहीं डरपोक। और हाँ याद रखना रात को बेड हिलेगा। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ क्या हुआ था? बेड हिला था क्या? जैसा लगा था पता नहीं अभी शायद से मैं हिलाऊंगा। नहीं कोई नहीं हिल रहा था। मुझे कह रहे रुचि बेड हिल रहा है, रुचि बेड हिल रहा है। अरे मैंने कहा हिल रहा है? नहीं हिल रहा है, तू देख तू बैठ के देख हिल रहा है। केसरियान बालम आवो रे पधारो निमारे देश रे राजस्थान। केसरियान बालम आवो ने पधारो निमारे उदयपुर राजकुबेर होटल ब्यूटीफुल। कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम हमारे पैसे से आए हैं। अच्छा हम लोग आज आपको कहीं नहीं घुमा पाए क्योंकि थके हुए थे, अब कल से थोड़ा थोड़ा कहीं जाएंगे। और ये आ गया है बाबू, ये इसने भी कपड़े बदल लिए। मेरा बाबू बहुत झकास लग रहा है। हाँ तुम पे सूट कर रहा है ये दिखा इधर प्रिशा एकदम सोबर लग रही है। सोबर लग रहा है बच्चा। इसमें पॉकेट है? पॉकेट इसमें पॉकेट नहीं। हाँ उसमें तो सौ सौ रुपए के सो जाने का दिन अच्छा है। और हाँ बाय द वे विच वे बाय द वे विच वे तुमने ये टी शर्ट पहनने की हिम्मत कैसे की? अब मेरे व्यूअर्स मुझे देखेंगे कि आप खुद कपड़े दिन में तीन बदल लिए। मैंने मुझे मेरी कंफर्टेबिलिटी सोचो ना। मैं औरत नहीं हूँ, मैं जनानी नहीं हूँ, मैं मर्दाना हूँ ठीक है। तो मुझे जिसमें कंफर्टेबल फील होता है मुझे अच्छा लगता है। अब मैं आपको ना अभी तक मेरे कोई मूड नहीं था लेकिन अब मैं आपको ना दिखाऊंगी कि इनके कितने कपड़े आए हैं। प्रिशा कितने इनके कपड़े आए हैं पूरा बैग। रुचि भी अभी मत दिखाया। मैं अभी नहीं दिखा रही, मैं कल दिखाऊंगी। कल दिखाऊंगी कपड़े। ये देखिए क्या कर रही है, उल्टा लेटा हुआ है, पागल हो गया। खाना खाया ना बाबू अभी? अब अगर कोई पहने ना तो उसका क्या इलाज? मेरा बस चल तो कभी भी यही पहनो। नहीं खबरदार तुमने ये कपड़े पहने तो तुम गए काम से, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे। बहुत सारे कपड़े लाई हूँ मैं इनके, कम से कम भी नहीं तो प्रिशा तीन से चार न्यू टी शर्ट है ना दादा। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले इनके लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे जो जाने से पहले आगे मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। एक वो बर्थडे वाले ही दिखाए थे ना मैंने, जो अब आए वो नहीं दिखाए। तो वो अभी नया एक स्लॉट इनका आया है कपड़ों का, वो ये सारा लेके आए हैं। दो से तीन न्यू टी शर्ट, दो से तीन न्यू शर्ट, सब कुछ लाए हैं। और ट्रैक पैंट, और ट्रैक पैंट भी इन्होंने नई ली है। लेकिन क्या करूं इस आदमी का, ये देखो पुराने कपड़े पहन के बैठा रहता है। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है पर अच्छे लगने में तुम अपनी बीवी को बदनाम करते हो यार। यार चलो आज हम रजाई में, अभी हमारी रजाई छोड़ो। तो अब है ना गाइस, अब हो गया है टाइम टू से बाय बाय। तो इस व्लॉग को हम यहाँ एंड करते हैं, कल शुरू करेंगे एक नया व्लॉग। कल कुछ अच्छा सा ड्रेसिंग करेंगे प्रिशी। हाँ आज तो हम सिंपल सिंपल। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताएं कि कल जो पापा के फ्रेंड है जिनसे हम मिल रहे हैं तो शायद से कल रात हम उनके साथ स्पेंड करेंगे शायद, अगर हाँ। वो भी फ्री हुए, उनकी फैमिली भी फ्री हुई। तय आपको यहाँ का दाल बाटी और चूरमा, और इसके अलावा यहाँ की प्याज की कचौरी और पानी पूरी, और इसके अलावा यहाँ लेक के पास एक जगह पे मैगी और कॉफ़ी OMG प्रिशा कितनी अच्छी मिलती है ना सैंडविचेस। तो वहाँ हम सब जगह जाएंगे, तो जब जाएंगे तो आपको ज़रूर से सब कुछ दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे दिन हैं, हम यहाँ पे 5 से 6 दिन या हो सकता है 7 दिन भी रुक जाएँ, डिपेंड करता है हमारे मूड पे। फिलहाल 5-6 दिन हैं हम, अगर और ऐसा लगा तो 1-2 दिन रुक जाएंगे या फिर चले जाएंगे वापस, जैसे भी होगा। से गुड नाइट। गाइज गाइज आ जाओ गाइज। गुड नाइट गाइज। गुड नाइट। अब हम सब सो जाएंगे चिपक चिपक के, माँ बेटी और बेटा और पापा नीचे। पापा नीचे आज पापा को उसने भगा दिया बेटा। पापा नीचे क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है। हाँ कह रही है पूरा दिन पापा इस बिस्तर पे सोए तो अब मैं सोऊंगी। चलिए गाइस मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम कल क्या डालेंगे, क्या आगे की हमारी जर्नी है। अभी हमारा मुंह धोना बाकी है तो बस कैमरा ऑफ करके हम मुंह हाथ धोएंगे, हमारी नाइट स्किन केयर करेंगे और फिर हम
सो जाएंगे और फिर आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में. लव यू, बाय बाय. फाइनल वाला बाय, फाइनल वाला बाय 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 बाय.